कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दो है, सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े हैं। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद है। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। हम सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं बातचीत, चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता दें। मोरली वी आर अग्रीड, हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही है और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल कर पटना चल करके जो है इसका अनाउंसमेंट जो है आपको कोई कहीं कर दिया और मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ गई क्या? वहाँ तो दो दो गठबंधन को आप कहते हैं, एक पारस जी को तो बाहरी कर दिया तो एनडीए तो टूटी, लेकिन कहीं खबरों में आपने चला है कि एनडीए टूटी? और दो लोगों को तो बिना पूछे एक एक थमा दिया गया, तो वहाँ तो जो हुआ है असंतोष जो लोगों में दिख रहा है वो आप लोग नहीं दिखा रहे। जहाँ नहीं है, जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है वहाँ आप लोग जो है खबर पड़ोस तो आप औरंगाबाद कोई चीज़ नहीं। थोड़ा 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 धैर्य रखिए, आनंद लीजिए इसका भी।